जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने से पहले यहां 23 और 24 सितंबर को चुनावी तैयारियों का रिव्यू किया गया। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशनर राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कराने से पहले यहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान राजनीतिक दलों ने यहां एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में चुनाव अधिकारियों का यह दौरा अहम माना जा रहा है। 28 सितंबर की सुबह 9:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम प्रदेश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग करेगी। शाम 4 बजे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। वैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो सकता है और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। वही चुनाव आयोग के महाराष्ट्र दौरे को लेकर शिवसेना यूटीबी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने चुनाव आयोग पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई आए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन हमने बचपन से ही चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में देखा है। आप यहाँ कुछ देखने कुछ जांचने आए हैं, यह सब ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के राजदूत के रूप में आए या पिछले दरवाजे से किसी की मदद करने आए तो यह दर्दनाक है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई की पावन धरती पर आए हैं, आना जाना चाहिए, उसके लिए स्वागत होता है, लेकिन चुनाव आयोग को हमने निष्पक्षता के रूप में बचपन से देखा है। हमने टीएन सेशन साहब का जमाना देखा है और आज के चुनाव आयोग को भी हम देख रहे हैं कि जो कहते हैं कि असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की नहीं है और असली राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की नहीं है, तब मन में बहुत दुख होता है कि आप यहां पर कुछ देखने आए हैं, कुछ निरीक्षण करने आए हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का दूत बनकर आए हैं, किसी को पीछे के दरवाजे से मदद करने आए हैं, तब दुख होता है। डिजिटल का जमाना है, एक दूसरे से लोग संपर्क में रहते हैं, फोन पर बातचीत होती है, और भी माध्यम है मीडिया के, उससे बातचीत होती है, फिर भी चुनाव आयोग यहां आए हैं तब क्या जानकारी इकट्ठा करने आए हैं तो वही जाने। हम यही चाहते हैं कि चुनाव समय पर आप करवा दीजिए, समय पर आचार संहिता लगवा दीजिए। 28 नवंबर 2019 को आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो 28 नवंबर से पहले हमारे राज्य का चुनाव संपन्न करा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार की अति आवश्यकता है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ की जनता को कैसे खुशियां पहुंचाई जाए उसकी आवश्यकता है। तो चुनाव आयोग महोदय, हम आपसे यही कहेंगे, जो भी निरीक्षण परीक्षण घूमना फिरना करना हो सब जल्दी से जल्दी करिए और चुनाव की तिथि जाहिर करिए। वैसे महाराष्ट्र में इलेक्शंस के रिव्यूज करने से पहले आयोग ने 23 और 24 सितंबर को रांची जाकर झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने का रिव्यू किया था। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अक्टूबर नवंबर में दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा और राज्य स्थापना दिवस जैसे मामले उठाते हुए कहा है कि इन दिनों पर मतदान की तारीख न रखी जाए। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।